पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ डीपीटीजेआरएफ एग्जाम एस जो आप अपीयर होने वाले हैं, वो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आप अपने ध्यान में रखे रहेंगे तो शायद आप अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल कर पाए उस 3 आवर्स में जो कि आपको डीपीटीजेआरएफ एग्जामिनेशन के लिए मिलने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा ऑलरेडी कि डीपीटीजेआरएफ का एग्जामिनेशन 3 आवर्स में होते हैं, जिसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है 50 क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे आपको ऑप्ट करने होते हैं, मतलब तो जितना आपको आता है उतना आपको ऑप्ट करना होता है। और सेक्शन बी में जो है आपके पास 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से कि आपको 50 क्वेश्चंस जो है वो ऑप्ट करने होते हैं, मतलब 100 जो है आप लेफ्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन बी में कई अदर फील्ड्स या अदर अदर कह सकते हैं कि स्ट्रीम्स जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। सो कुछ पॉइंट्स जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको कि आपको ध्यान रखना है जब भी आप डीपीटीजेआरएफ एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि ध्यान रखें कि अपने आप को बहुत ही रस ना करें इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। कई सारे लोग क्योंकि सेक्शन बी में या इतनी ज्यादा क्वेश्चन देखने के बाद उन वो अपने आप को इतना ज्यादा हरी में कर देते, मतलब इतना ज्यादा घबराहट में, हड़बड़ाहट में जो है क्वेश्चंस गलत करने लगते हैं। सो ये करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, अपने आप को कूल एंड काम रखें, क्योंकि 50 और 50 क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं 180 मिनट्स में। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो पर क्वेश्चन आपको जो है 1.8 मिनट्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट के आसपास का समय मिलता है। और जिस लेवल का क्वेश्चन डीपीटीजेआरएफ में होता है, एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट काफी जो है एनफ होते हैं। सो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सेक्शन ए से शुरू करते हैं और सेक्शन बी को छोड़ देते हैं कम्प्लीटली, या 1, 2, 10, 12 क्वेश्चन करते हैं। सो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि सेक्शन ए तो पहले आप ऑप्ट करो, जब भी आप ऑप्ट करने जाओ तो सेक्शन ए को ऑप्ट करो, और उन क्वेश्चन में बिल्कुल समय जाया मत करो जो क्वेश्चन आपको पहली बार में क्लिक नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन ऑफ करते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलो कोशिश करते हैं, और कोशिश में जो है हम 2 मिनट 3 मिनट गवा देते हैं शुरू शुरू में। तो शुरू में ऐसे क्वेश्चन ऑफ ही मत करो। आपके पास रफ कॉपी मिलेगी, आपके पास पेन मिलेगा, वहां पे आप मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं एनटीए के उस पर्टिकुलर सर्वर पे। इसके अलावा आप कॉपी पेन पे वो क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं जो लगता है कि आपको थोड़ा बहुत आता है। मतलब पहली बार आप सिर्फ क्वेश्चन को देखो, आता है करो, नहीं आता है स्किप कर जाओ। अगर उसको लगता है दोबारा चेक करना है तो उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब आप उस पे जबरदस्ती इसका समय देंगे, या जब आपको थोड़ा थोड़ा आता है फिर समय देंगे, तो वो इनिशियली आपका टाइम काफी खा जाएगा, और फिर आपको बाद में हड़बड़ाहट जरूर होगी क्योंकि आपके पास समय कम बचेगा और क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने रहेंगे। सो अपने पूरे सेक्शंस को 2 हिस्सों में आपको डिवाइड करना है, मतलब कि पहले जो आपके पास 90 मिनट्स यानी पहले के 1.5 घंटे है, उसमें जो है आप सेक्शन ए को सॉल्व करो। उससे ज्यादा आपको सेक्शन ए के लिए नहीं लेना है, क्योंकि दोनों में ही 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सेक्शन ए में जो है प्रॉपरली आपके पास 90 मिनट मिल रहे हैं, मतलब लगभग लगभग वही 1.8 जो है 7 मिनट्स के आसपास। तो आप एक क्वेश्चन देखो, आया तो ठीक, नहीं आया तो पढ़ जाओ, आया तो ठीक, नहीं आया तो पढ़ जाओ, आया तो ठीक, नहीं आया तो पढ़ जाओ। तो क्या करे कि जब आप समय दे रहे हैं, 10 से 15 सेकंड लगेगा रीड आउट करने में, उतने में आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे लायक है या बनने लायक है कि नहीं है। तो एक जनरल गो थ्रू, एक जनरल जो आपकी प्रिपरेशन होगी, इससे क्या होगा कि आपके पास 10 से 20 क्वेश्चन आप इजिली कर जाओगे। बाकी 30 क्वेश्चन के लिए, बाकी एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन यानी कि 50 में से 30 सही करने के लिए जो है, फिर 10 से 20 क्वेश्चन के लिए आपको फिर से दोबारा उन क्वेश्चन को रीड आउट करना पड़ेगा ढंग से, जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत डाउट है। तो 90 मिनट्स आपने सेक्शन ए के लिए दिया, पहले जल्दी जल्दी उसमें से 10 से 20 क्वेश्चन निकाल ले गया फटाफट करके, फिर बाकी के 10 क्वेश्चन के लिए दोबारा उनको रीड आउट करो जो आपने नोट डाउन किया था कि ये क्वेश्चन मुझे दोबारा से देखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा मुझे आता है, थोड़ा सा दिमाग जो है लगाना है। अगेन आपको पता है ओबीसी स्ट्रेटेजी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके यूट्यूब के सर्च बॉक्स में सर्च करिए ओबीसी स्ट्रेटेजी बाई वीरेन सिंह, और देख लीजिए कि ओबीसी स्ट्रेटेजी क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑड वन आउट यानी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, इन चीजों का बिल्कुल यूज करिएगा। ये आपके समय को भी बचाएंगे और समय के साथ साथ एक्यूरेसी को भी बढ़ाएंगे। सो ओबीसी स्ट्रेटजी आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा मिस्टेक डीपीटीजेआरएफ के एग्जामिनेशन में लोग करते हैं, वो करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में लोगों को लगता है कि सिर्फ डिफरेंट स्ट्रीम के क्वेश्चन है, इसीलिए वो 2, 4, 10 क्वेश्चन ऑफ करके छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। पूरे के पूरे जो आपके पास 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 50 करने होते हैं, उन 150 क्वेश्चन में से जो है करीब करीब
25 से 30 क्वेश्चन या इवन उससे ज्यादा आपके सेक्शन ए से मिलता जुलता हुआ होता है। सेक्शन ए में जितने भी सिलेबस में मेंशन टॉपिक्स है ऑलमोस्ट टॉपिक्स आपके सीएसआईआर गेट इन सब में जो है रिलेवेंट होते हैं, और सेक्शन बी के 20 से 25 क्वेश्चन एकदम सेक्शन ए से मिलता जुलता होता है, क्योंकि सेक्शन बी में सिर्फ स्पेशलाइज बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं होते, उसमें जनरल बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप उनको ऑप्ट कर लेंगे सेक्शन बी को। सेक्शन बी में क्या करना है कि आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है, उसमें आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होनी थी, स्पीड ज्यादा होनी चाहिए क्वेश्चन को स्क्रीन आउट करने के लिए। इसके लिए आप थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन में पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ नीचे देखो कि वो किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये फार्माकोकाइनेटिक्स का है, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का है, नैनो टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको टॉपिक देखते ही पता चल जाएगा कि ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो टॉपिक नहीं पढ़ा है तुरंत स्किप कर जाओ, और उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे क्वेश्चन का कि कौन की पहले 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से पहले 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से, क्योंकि क्वेश्चन जो है मिक्सडअप होते हैं। इसीलिए आप एक तरफ से शुरू करते जाओ और जो जो क्वेश्चन आपको आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है उनको ऑप्ट करते चले जाओ, आप आराम से 30 से 40 क्वेश्चन सेक्शन बी में भी सही कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो। सिर्फ आपका क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस भरपूर होते हैं और क्वेश्चंस आपके नॉलेज वाले भी होते हैं जो आपने पढ़ रखा है, लेकिन उन क्वेश्चन को ढूंढना है उन 150 क्वेश्चंस में से, कई लोग ढूंढ ही नहीं पाते, वो पहले 50 क्वेश्चन ही देखते हैं, बाकी के लगता है कि उन्हें नहीं आ रहा है या बाकी वो लोग इसी तरीके से छोड़ देते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू या आई रिकमेंड यू कि आप पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस है 150 सेक्शन बी के उन सभी को एक बार गो थ्रू करिएगा, क्योंकि उसमें आपको कौन सा क्वेश्चन आपको आता है आपको नहीं पता, उसके लिए आपका स्पीड अप होना, इसके लिए आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस जो है खुद करिएगा एनटीए की वेबसाइट पे या पीडीएफ के थ्रू, ताकि आपकी स्पीड क्वेश्चन रीडिंग थोड़ी सी अच्छी हो सके। ज्यादातर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो ज्यादातर लोग मिस्टेक्स करते हैं वो दो मिस्टेक्स होते हैं, सबसे पहला मिस्टेक्स दैट इज अ रीडिंग स्किल, कई लोगों को सब कुछ पता होता लेकिन गलत पढ़ के सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो पहले अपने रीडिंग स्किल पे मेहनत कर लीजिएगा अच्छे से, ये नहीं कि सीधे एग्जामिनेशन हॉल में जाके हम लैपटॉप पे पढ़ेंगे या स्क्रीन पे पढ़ेंगे, ये जो आपके पास समय इसमें ही आदत डालिए उन क्वेश्चन को रीड आउट करने की। एनटीए की फ्री वेबसाइट पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको भी आप परचेज कर सकते हैं। हम खुद अपने प्लेटफॉर्म ईलर्नम के ऐप पे भी या वेबसाइट पे भी जो है आपके लिए मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्स लेके आए हैं, आप उनको भी परचेस कर सकते हैं, उन पर्टिकुलरली कह सकते हैं कोर्सेज का जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस वीडियो में दे दिया गया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक जो है वो अपडेट कर दूंगा, तो वहां से भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये चीज सबसे पहले तो आपको सेक्शन ए से शुरू करना है अपने टाइम को डिवाइड करके, और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस के साथ गो थ्रू होना है, रीड आउट पे काम करना है। तीसरा जो मैंने आपको बताया, पहला कि रीडिंग स्किल लोगों की गड़बड़ होती है, सेकंड जो सबसे बड़ा पॉइंट जो लोग छोड़ते हैं वो न्यूमेरिकल्स को मिस करते हैं या चीजों को छोड़ देते हैं अक्सर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट। ऑल्दो डीबीडी में न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा पहले के कंपैरेटिवली कम आने लगा है क्योंकि लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी मिक्स कर दिया है, बट स्टिल देयर इज अ चांसेस कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, पहले करीब करीब 10 से 15 न्यूमेरिकल्स आते थे, अभी 10 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं एक सेक्शन में, तब भी आपके पास 20 न्यूमेरिकल्स, और मैं न्यूमेरिकल्स को स्किप करने का जो ऑप्शन कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, क्योंकि उसका सीधा सा या तो आएगा या तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको आता है तो आपका 110% आप श्योरिटी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं, और फॉर्मूला जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी से लेके बायोकेमिस्ट्री टेक्निक्स माइक्रो सेल जेनेटिक्स, इन सब के फॉर्मुलेस को बार बार जो है नोट डाउन करके रिकॉल और रिविजन कर लीजिएगा, तो ये सारी चीजें कर लीजिए। बाकी बेसिक स्टेप्स आपको पता है कि अपने आप को कूल एंड काम रखना है, ज्यादा इंट्रैक्ट नहीं करना एग्जामिनेशन डे पे, ये सारी चीजें यू नो बेटर वे, बट जैसा कि बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डीबीटी के जरूर सॉल्व करिएगा, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डीबीटी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं उनको जरूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डीबीटी के प्रीवियस क्वेश्चन से डिराइव होते हैं, और नॉट ओनली फॉर डीबीटी, आपको गेट एग्जामिनेशन के भी अगर समय मिलता है तो गेट बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, अगर आप ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाते हैं तो भी आपकी बहुत हेल्प हो जाने वाली है। बाकी अगर आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है तो उसको अच्छे से पढ़ के चलिएगा और कोर यूनिट्स को ढंग से पढ़िएगा, कोर यूनिट्स मतलब बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जेनेटिक्स सेल
ठीक है। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब कोर यूनिट्स जो है ज्यादा आते हैं। इकोलॉजी इवोल्यूशन थोड़ा कम आता है, बट इससे क्वेश्चंस बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं। और बाकी कुछ यूनिट जैसे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, इनसे भी कुछ स्पेशलाइज क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए अच्छी बात है। सो इन कुछ पॉइंट्स को आप जो है आप मद्देनजर रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, और इनके थ्रू जो है जाने की कोशिश करिएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। दिस विल हेल्प यू अलॉट। बाकी अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।